पुणे इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया और यहाँ पर बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिन्हें विजिट करने लोग दूर दूर से आते हैं। तो हमने भी दिस न्यू ईयर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस को विजिट किया, वो भी फुल फैमिली के साथ। वहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया, बहुत से ऐसे गेम्स खेले, डांस किया और बहुत हमने इंजॉय किया। एंड रियली इट वॉज वेरी नाइस प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। सो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप अपने फैमिली के साथ जरूर यहाँ आइए। चलो तो आज के ब्यूटीफुल ट्रैवल ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का मेरा ट्रैवल ब्लॉग है और आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर जाने वाले हैं और आज का ब्लॉग हमारे फुल फैमिली है, तो आज हम मेरे फैमिली से मिलते हैं। सब हाय करो। हाय हाय हाय। शी इज माय स्वीट ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ, बहुत ही अच्छे ब्रदर इन लॉ। हम कहाँ जा रहे हैं अभी मैं आपको रिवील नहीं करूंगी, डायरेक्ट मिलते हैं स्पॉट पे। बाय। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम है पुणे मुंबई हाईवे पे और आगे हमें और 60 किलोमीटर जाना है। अभी अभी हमने जस्ट बालेवाड़ी को क्रॉस किया है और आगे जाके हमें एक लेफ्ट टर्न मिलेगा, लेकिन हमें लेफ्ट में टर्न नहीं करना है, हमें स्ट्रेट लोनावाला हाईवे पर जाना है। हमें वाया तलेगांव और कामशेर से जाना है। टोटल 2 आवर्स की जर्नी थी तो हमने बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया। अभी यहाँ पर हम रुक गए हैं, ये है परंदवाड़ी, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम थोड़ा स्नैक्स करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ये छोटा सा गांव बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ के छोटे से स्नैक्स सेंटर में हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह किया और आगे की ओर बढ़ गए। और जितनी खूबसूरत ये जर्नी हो रही है उतनी ही खूबसूरत यहाँ के साइट सीन भी है। इस रास्ते पर हमें बहुत से ऐसे फार्म्स देखने को मिले, बहुत से ऐसे नर्सरीज देखने को मिली और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम भी उतना सुहाना हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन और हम आ गए हैं ये पावना लेक पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत मजा आने वाला है। पोना लेक काफी बड़ा है और इस बड़े से एरिया को इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है और हर एरिया में इन्होंने कुछ टेंट अलॉट किए हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, पर पर्सन वो 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, वहां जाकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। हर एरिया का डेकोरेशन भी कुछ खास होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने काफी हाइजीन मेंटेन रखा है। हर एक एरिया में टेबल है, चेयर्स है और पानी का भी सेपरेट अरेंजमेंट है। हम टोटल 15 लोग थे और हमें 8 टेंट अलॉट हुई थी। चलो देखते हैं कि टेंट अंदर से दिखते कैसे है। हर एक टेंट के अंदर सेपरेट वाटरप्रूफ मैट है, ब्लैंकेट दिए है, बेडशीट्स है और 2 पिलो भी रखे हैं, पर आप अपना सेपरेट ब्लैंकेट भी कैरी कर सकते हैं। आउटसाइड में हम बहुत से गेम भी खेल सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बैट बॉल और खेलने का सामान भी यही लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह का भी अरेंजमेंट है, काफी क्लीन है। ये है हमारी चिल्लर पार्टी और ये है मेरी प्यारी सी नीस। जैसे कि आप देख सकते हो ठीक हमारे टेंट के पीछे बड़ा सा लेक है, तो अभी हम यहाँ लेक के पास जा रहे हैं। उससे पहले हमने कुछ फोटोज निकाले। Thank you.
अभी भी हम पानी में जा रहे हैं। यहाँ पर हमने सनसेट पॉइंट देखा, पानी में बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया, बहुत से फोटोज निकाले और यहाँ पे बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया। सच में बहुत मजा आ रहा था। काफी खेलने के बाद हमें भूख लगी तो हम वापस टेंट की ओर चले गए। अराउंड 5:30 बजे हमें इवनिंग स्नैक्स मिला। स्नैक्स में गरम गरम पकोड़े मिले, पकोड़े के साथ चाय मिली और चाय तो बहुत टेस्टी थी। स्नैक्स लेने के बाद हमने थोड़ा रिलैक्स किया और बाद में हम हमारे गेम्स खेलने लगे। यहाँ पर हमने बहुत से गेम खेले। यहाँ पर हमने क्रिकेट खेला, हमने वॉलीबॉल खेला और भी इंटरेस्टिंग गेम खेले। और ये छोटे बच्चे तो काफी बदमाशी कर रहे थे, काफी मस्ती कर रहे थे और इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर भी हमने बहुत से फोटोज निकाले, बहुत एंजॉय किया। तो धीरे धीरे शाम ढल रही थी और अभी अंधेरा हो रहा था। और अंधेरे होने के बाद मौसम और भी सुहाना हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और धीरे धीरे हमारी लाइट्स ऑन हो रही थी। फाइनली सभी लाइट लग चुकी है और नजारा बहुत 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 सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग के बाद यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। और हर एक एरिया का डेकोरेशन लाइटिंग काफी डिफरेंट होता है और यहाँ की लाइटिंग अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। रात के खाने का थोड़ा टाइम था तो हम बाहर राउंड मारने निकल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे हमारा रात का खाना बन रहा है, लोग कुकिंग कर रहे हैं और बाजू में यहाँ पे सब डीजे वगैरह है, म्यूजिक वगैरह है, तो लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा डांस किया और थोड़ी सी मस्ती की। चलो तो हमारी मस्ती देखते हैं अभी। डांस मस्ती के साथ साथ हमने बहुत से फोटोज भी निकाले। टाइम अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजे और थोड़ी सी बारिश भी गिरी है यहाँ पे, फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक बज रही है, थोड़ा मूड ऑफ हुआ था लेकिन अभी बारिश स्टॉप हुई तो अब फिर से हम एंजॉय कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी बारिश आई थी लेकिन बारिश रुकने के बाद हम फिर से टेंट के बाहर आए, फिर से हम खेलने लगे, बहुत सी मस्ती करने लगे। तो अभी आ चुका है सबके लिए बारबेक्यू चिकन। अराउंड 8:30 को आपको स्टार्टर मिलता है। स्टार्टर में आपको बारबेक्यू मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों भी ये प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टर लेने के बाद हम फिर थोड़ा सा बाहर घूमने निकल पड़े। बहुत लोग यहाँ पे फोटो वगैरह निकाल रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी, डांस चल रहा था और देवांश की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। देवांश ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत खेला वो।
अराउंड 9:30 को हमें डिनर मिलता है। डिनर में वेज और नॉन वेज दोनों भी होते हैं। नॉन वेज में चिकन रहता है और वेज में पनीर की सब्जी रहती है। उसके साथ रोटी, स्वीट, राइस रहता है और हम सब ने डिनर इंजॉय किया। डिनर बहुत टेस्टी था। खाना कैसा है? एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय। ओ, जवान कैसा है? खाना खाने के बाद बहुत से लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे म्यूजिक कंटिन्यू रहती है। बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और हम भी थोड़ा आउटसाइड घूमने निकल गए। नाउ इट्स टाइम फॉर कैंप फायर। और इस कैंपिंग की बहुत अच्छी खासियत है कि ये इंडिविजुअली कैंप फायर प्रोवाइड करते हैं। डिनर के बाद इन्होंने हमें कैंप फायर दिया, जहाँ पर हमने बहुत से गेम्स खेले, बहुत सी गपशप किए, बहुत सी मस्ती की और यहाँ पर हम रात के 2 बजे तक बैठे रहे। ठंडी भी लग रही थी और वो कैंप फायर के पास गर्म गर्म बहुत अच्छा लग रहा था। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30 बजे। बहुत लोग थक गए थे, बहुत लोग सोने चले गए और हम भी सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना था, सुबह का सनराइज़ को भी देखना था, इसलिए हम भी सोने चले गए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं पानी की ओर, जिसे आप देख सकते हो। अभी हम इधर जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। मॉर्निंग के 6 बजे हम उठ भी गए थे क्योंकि हमें मॉर्निंग का सनराइज पॉइंट दिखना था, जिसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और पानी की आवाज। सच में मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे बहुत शांति होती है, बहुत यहाँ पे पीस मिलता है। यहाँ पर भी हमने बहुत से फोटोज निकाले, थोड़ी बहुत मस्ती की और फिर से हमारे टेंट की ओर चले गए। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। बहुत लोग उठ गए हैं, बहुत लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग खेल रहे हैं। और मॉर्निंग 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में आपको पोहा के साथ चाय भी मिलता है। तो अभी हम सब नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद हमें रेडी होके वापस जाना है। यहाँ का चेकआउट टाइमिंग है मॉर्निंग 11 बजे। तो अभी सब हमने वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग भी सब पैकिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि 4 बजे सबका चेक इन पॉइंट रहता है, तो इन्हें भी सब क्लीन करना पड़ता है। जाने से पहले हम सब ने फिर से फोटो निकाले, एक ग्रुप फोटो निकाला। अराउंड 10 बजे के आसपास हम वहां से निकल गए। सच में पोना लेक एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, फुल ऑफ नेचर। यहाँ पर आके हम काफी रिफ्रेश फील करते हैं। अपने डेली रूटीन से थोड़ा टाइम निकालकर यहाँ आके हमें काफी रिलैक्स होते हैं। अगर आपको भी कैंपिंग करना पसंद आता है तो एक बार अपने फैमिली के साथ यहाँ पर जरूर आइए।
लेकिन अभी कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। जब कोरोना केसेस अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे तो आप एक बार जरूर आइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियो जरूर देखिए। फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।